हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ होली स्पेशल ड्रिंक, यानी कि बहुत ही ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस बार इस होली में ज़रूर इस ड्रिंक को बनाएं और सभी को पिलाएं, जो पीने में बहुत टेस्टी लगता है। और जो इसकी जैली है, कॉफ़ी जैली, वो बहुत टेस्टी लगती है। आप उसको वैसे भी खाएंगे तो वो वैसे ही बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए, ये कैसे बनाया जाता है, बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बनाना कॉफ़ी जेली मोका शेक। तो सबसे पहले एक फ्राई पैन रखेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और उसके अंदर डालेंगे एक ग्लास पानी। पानी को थोड़ा पहले गर्म होने देंगे। पानी गर्म होने के बाद इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। दो चम्मच चीनी, आप इसकी जगह ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। तो मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे अगर अगर पाउडर, ये मैंने 2 चम्मच लिया है। 4 मिनट इसको पकाएंगे। तो 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, गैस को बंद कर देंगे। अब इस सिरप को हम 2 घंटे फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए रखेंगे। दो घंटे हो गए हैं, तो 2 घंटे में हमारी जो ये कॉफ़ी जेली है वो सेट हो गई है। अब इसको कट करेंगे हम। तो जेली को हमने कट कर लिया है, अब शेक बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉफ़ी जेली हमारी कितनी अच्छी बनी है। अब हम आगे की तैयारी करेंगे, यानी कि इसके लिए अब शेक तैयार करेंगे। अब लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, उसके अंदर 1 ग्लास दूध डाल देंगे, 2 चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच कोकोआ पाउडर और 4 से 5 आइस क्यूब्स। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। कॉफ़ी को ब्लेंड करने के बाद अब एक ग्लास लेंगे। सबसे पहले हम ग्लास के अंदर जो हमारी कॉफ़ी जेली है उसको डाल देंगे। ये देखें कितने अच्छे क्यूब्स बने हैं। कॉफ़ी जेली क्यूब्स को डालने के बाद फिर जो हमने ब्लेंड की है उसको डाल देंगे। थोड़ा सा कोकोआ पाउडर डालेंगे इस पे। तो फ्रेंड, कोकोआ पाउडर भी मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड, इस होली पर आप स्पेशल ड्रिंक को जरूर बनाएं और अपने फैमिली मेंबर्स को भी पिलाएं, जो पीने में बहुत टेस्टी लगता है, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।